तो देखो भाई लोग, इस महीने के 18 तारीख को निसान कंपनी एक कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। लेकिन लॉन्च से पहले किसी को भी ये पता नहीं था कि उस कार का नाम क्या होने वाला है और निसान कंपनी कौन सी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। कुछ लोग बोल रहे थे कि निसान की लीफ इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और कुछ लोग बोल रहे थे कि निसान कंपनी एक न्यू एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है इस 18 तारीख को। लेकिन रिसेंटली निसान की एक्सट्रेल इस एसयूवी कार को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया। इसके बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस अभी फिलहाल के लिए वायरल हो रहे हैं। तो इस 18 तारीख को निसान कंपनी इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और इस कार की पोजीशन आपको निसान किक्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। यानी ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करेगी टाटा हैरियर के साथ, एमजी हेक्टर के साथ। तो इस सेगमेंट के अंदर निसान कंपनी इस कार को उतारने वाली है। निसान कंपनी ने इस कार का फर्स्ट जनरेशन मॉडल 2000 में लॉन्च किया था और 2021 में इसका फोर्थ जनरेशन मॉडल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर काफी चेंजेस करे गए थे। लेकिन कुछ कंट्रीज में इस कार को एक्सट्रेल नाम से बेचा जाता है और कुछ कंट्रीज में इस कार का नाम है रोग। तो यहाँ पर अलग अलग नामों से निसान की ये एसयूवी कार ग्लोबल मार्केट में बिकती है। शायद इंडिया में इसका नाम कुछ और ही हो सकता है। ये तो 18 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही निसान कंपनी इस कार को इंडिया में लॉन्च करती है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियोज के थ्रू। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। अगर मैं इस कार के डायमेंशन की बात करूँ तो इस कार की लेंथ है 4681 mm, जो कि टाटा हैरियर के मुकाबले 83 mm ज्यादा है। वही इस कार की वेट थे 1840 mm की, जो कि टाटा हैरियर के मुकाबले 54 mm कम है। लेकिन इस कार की हाइट है 1730 mm की और इसकी हाइट टाटा हैरियर के मुकाबले 24 mm ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको टाटा हैरियर की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू निसान की एक्सट्रेल। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो निसान की इस एसयूवी कार के अंदर 2706 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा, लेकिन टाटा हैरियर के अंदर 35 mm ज्यादा व्हील बेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर विड्थ के मामले में और व्हील बेस के मामले में टाटा हैरियर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, लेकिन निसान की इस एसयूवी की लेंथ और हाइट आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो निसान के इस एसयूवी को चार अलग वेरिएंट के साथ ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। इसका बेस मॉडल है एसटी, इसके ऊपर आता है एसटीएल, इसके ऊपर आता है टीआई और इसके ऊपर आता है टीआईएल। यानी इसका टॉप मॉडल है टीआईएल और इसका बेस मॉडल है एसटी। तो इन चार वेरिएंट के साथ निसान कंपनी इस एसयूवी कार को ग्लोबल मार्केट में बेचती आ रही है। ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर अलग अलग इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन इंडिया में यह कार दो इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ आ सकती है। कंपनी इसके अंदर 1.5 लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दे सकती है। इसके अलावा माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ निसान कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। सब कुछ चीजें 18 तारीख को रिवील किए जाएंगे। अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो इस कार का इंटीरियर डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। इसका डैशबोर्ड भी काफी बढ़िया है और इस कार के इंटीरियर में आपको काफी ज्यादा लेदर का यूज देखने को मिल जाएगा। सीट्स के ऊपर लेदर का यूज किया हुआ है, डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको लेदर की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील अपहोल्स्ट्री आर्मरेस्ट के ऊपर आपको लेदर की फिनिशिंग मिलने वाली है, जिसकी मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियमनेस आ जाता है। इसके अलावा आपको 12 इंचेस का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को। तो ये भी बढ़िया फीचर आपको निसान के इस एसयूवी कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हेडसअप डिस्प्ले का फीचर भी इसके अंदर ऑफर किया है, जो कि अच्छी खासी बात है। ट्राइजोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाएगा, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगा, हीटेड स्टीयरिंग व्हील और हीटेड फ्रंट सीट का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो ये भी बढ़िया फीचर निसान कंपनी ने इस कार के अंदर ऑफर किया है। शायद इंडियन मॉडल के अंदर आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कार को ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है, यानी उन कंट्रीज में बेचा जाता है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। उस केस में हीटेड स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। शायद ये फीचर इंडिया में नहीं आएगा। 8-way पावर एडजस्टेबल आपको फ्रंट रो के सीट्स मिल जाएंगे, यानी ड्राइवर की सीट को और को पैसेंजर की सीट को आप 8 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी बढ़िया चीज आपको निसान के इस एसयूवी कार के अंदर मिलने वाली है। और गाने सुनने के लिए आपको बोस के 10 स्पीकर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सेफ्टी फीचर्स। निसान के इस कार के अंदर आपको काफी बढ़िया लेवल के सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि 6 एयरबैग्स इस कार के अंदर ऑफर करें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करे हैं निसान कंपनी ने। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इंटेलिजेंट फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग का फीचर आपको मिलने वाला है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और ढेर सारे फीचर्स
आपको एज अ सेफ्टी के तौर पर निसान की इस एसयूवी कार के अंदर मिल जाएंगे। तो निसान की इस एसयूवी कार के अंदर आपको भर भर के सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन इस कार का एक्सटीरियर लुक आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसका फ्रंट का फीशा भी दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और रियर का प्रोफाइल काफी ज्यादा चेंज हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन मॉडल। निसान ने इस एसयूवी कार के अंदर कम्प्लीटली एलईडी लाइटिंग का सेटअप यूज किया है, चाहे वो DRLs हो, चाहे वो हेडलाइट्स हो, चाहे वो फॉग लाइट हो, चाहे वो एलईडी टेल लाइट हो, तो आपको कम्प्लीटली एलईडी लाइटिंग का सेटअप देखने को मिल जाएगा एक्सटीरियर में और इसके फ्रंट के लाइटिंग आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर एलईडी DRL की प्लेसमेंट और हेडलाइट की प्लेसमेंट थोड़ी सी अलग रखी गई है और इसके फ्रंट के ग्रिल्स के ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाएगी और इसके अंदर आपको बॉडी कलर के ORVMs मिल जाएंगे। डोर हैंडल के ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलने वाली है। थिकनेस सेंसर का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर आपको 17 और 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके रियर के फीचर में आपको काफी अट्रैक्टिव एलईडी टेलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी दिया हुआ है। रियर में आपको वाइपर मिलेगा और इसके रियर के बम्पर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखे हैं। इस 18 तारीख को निसान कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है और इसकी कीमत 12 या फिर 13 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, क्योंकि निसान कंपनी जानी जाती है कम कीमत के लिए और निसान की जितनी भी कारें इंडियन मार्केट में बिक रही है उनकी प्राइसिंग आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस कार की कीमत 12 या फिर 13 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन इस कार को निसान कंपनी उतारने वाली है MG हेक्टर और टाटा हैरियर के सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पर इन दोनों ही कारों को टक्कर देने के लिए इस 18 तारीख को निसान कंपनी इस SUV कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।